बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, जाना होगा और उनके बारे में नॉलेज भी ले होगी। जी हाँ, चार चक्कर के बारे में 1600 मीटर रनिंग भी किया होगा, लेकिन क्या ऐसी चीजें आपको पता है कि बॉडी भरने के बाद आप रनिंग कर सको? क्या ऐसी चीजें पता है? मैं जानता हूं कि शायद आपको नहीं पता होगा। जी, मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार जड़ी। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए। और भैया, वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ जो आपको शायद कभी नहीं पता। गारंटी देता हूँ नहीं पता होगा। यार वीडियो देख लो, फिर बताना, कमेंट करना कि पता था कि नहीं पता था, कर सकते थे कि नहीं कर सकते। हाँ, अगर मैंने सिखाया होगा तो पता होगा यार, मेरे से भी अच्छा कोच होगा, उसने बताया होगा। तो अगर आप ऐसे कर रहे तो नहीं पता। आइए शुरू करता हूँ। यहाँ पर ए, बी और सी, यहाँ पर ट्रेंड बंदा है जिसने फिजिकली ट्रेनिंग ली है और बहुत मेहनत की है, पूरा वर्कआउट किया है, 3 महीने से कर रहा है। इसके बाद ये रनिंग करेगा, इसकी बात मैं नहीं करूँगा, क्योंकि ये तो चार चक्कर मार ही देगा, उसके बारे में क्या बताना है। दूसरा बंदा 1 महीने 1.5 महीने प्रैक्टिस की है और काफ़ी अच्छा किया, प्रयास किया, मेहनत किया, इसकी भी बात नहीं करूँगा। अब भैया बात करेंगे सी वाले बंदे की, जिसने सिर्फ 10-15 मिनट देखा था, फॉर्म फिल किया था, देखा था कि चार चक्कर कैसे होता है, दौड़ा भी था 10-15 दिन 20 दिन 25 दिन दौड़ा था, लेकिन वो टाइमिंग नहीं आ रही थी जो इंडियन आर्मी में चाहिए होती है, अग्निवीर में चाहिए होती है। अब भैया इसको कैसे रनिंग मारना है? सी वाले बंदे की यहाँ बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सी वाले बंदे। अब एक सवाल है, आप लोगों का ही है, कमेंट भी आते हैं, बहुत सारे हमसे पूछते हैं कि सर पहला राउंड करने के बाद अगर बंदे की बॉडी भर जाती है और मन करता है रुकने का, तो 3 चक्कर कैसे मारें, कैसे करें? आइए जानते हैं ये सारी चीज़ें। क्या आपको पता थी? कमेंट करिए यार, नहीं पता था कि बॉडी भरने के बाद 3 चक्कर फिर कैसे करें, कैसे करें, यही जानना है ना। आइए जानते हैं। पहला चक्कर आपने कर लिया, और भैया एक चीज़ कंडीशन भी है, इन दो बंदों की बात नहीं करना, एक कंडीशन है। अब एक सबसे पहले ध्यान रखना होगा उन बंदों के लिए जो सी वाले बंदे हैं, जो कभी ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं लिए, तो भैया एक चीज़ बता दें कि जब यहाँ से रनिंग स्टार्ट होगी, यहाँ से रनिंग स्टार्ट होगी, तो अपनी बॉडी का 100% मत दीजिए, बॉडी आपकी भरेगी नहीं। चलो भर जाती है तभी बात करेंगे, लेकिन पहले जान लो कि अगर आपने अपना 100% यहाँ दिया, सिर्फ आपको 60-70% देना है पहले राउंड में, तो बॉडी भरेगी भी, क्योंकि आप ट्रेनिंग नहीं ली थी यार, बॉडी भरेगी, लेकिन इतना नहीं बचेगी, क्योंकि हमने 40% अभी बचा रखा है, बॉडी भरेगी। आपने ट्रेनिंग नहीं ली, आपने ट्रेन नहीं किया, आपने पहला राउंड के बाद बॉडी भर रही है, दो तरह से बॉडी भरती है भैया, एक तो 1 मिनट में राउंड मारने से बॉडी भरती है, और एक तो जब आपने ट्रेनिंग नहीं ली तब भी बॉडी भरती है। एक आपने 100% दिया तब बॉडी भरती है, आपने 60% दिया तब बॉडी भरती है, और यहाँ पे 60% देने वाले की बात हो रही है, बॉडी भर गई भैया, आप थक चुके हो, लग रहा है कि मैं अब नहीं कर सकता, लग रहा है ना, नहीं कर सकता, लेकिन करना है यार। अब कैसे करना है ये जान लो। पहला राउंड यहाँ पे ख़त्म होता है, दूसरा राउंड शुरू होता है। पहले राउंड में मान लो कि आप सबसे आगे थे, आपने अपनी बॉडी का, अगर आप सबसे आगे थे तो आपने अपनी बॉडी का 100% दिया, और सबसे आगे नहीं थे, 10-15 बंदे आपसे आगे थे, तो अपनी बॉडी का सिर्फ 70% दिया। कितना परसेंट दिया? 70% दिया। अगर आगे थे तो 100% दिया आपने, तो भैया यहाँ पर 100% नहीं देना, अगर आप वेल ट्रेंड नहीं है तो, अच्छी ट्रेनिंग ले ली तो आप 100% मत दीजिए, 70% दीजिए। अब यहाँ भी बॉडी भर रही है तब भी कैसे करना, 30% में 3 चक्कर में कैसे भगाता हूँ इस वीडियो में जान लो, और गारंटी है भगोगे यार। मैं इतना आपको बता दूं कि 30% में आपको 3 चक्कर भगा के मानूंगा, और वीडियो में बने रहो, और कैसे भगते हो ये मैं गारंटी देता हूँ, मेरी जुबान है, अगर नहीं भगो तो मेरा नाम बदल देना, खाली फॉलो करके देख लेना, ठीक है। दूसरा चक्कर आप जब भगोगे तो यहाँ पर किसी बंदे का सहारा लेना है, सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, निगेटिव नहीं सोचना यार, बंदे का सहारा लो, उस बंदे के पीछे लगो, उस बंदे के पैरों को फॉलो करो, उस बंदे को सिर्फ देखो। दूसरा चक्कर कब खत्म हो गया आपको पता ही नहीं चलेगा, जब आप गलत चीज़ों के बारे में सोचेंगे नहीं, निगेटिव सोचेंगे नहीं, तो दर्द के बारे में आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, सिर्फ उसके पैरों को देखेंगे, उस सिर्फ आपकी नज़रों में सिर्फ उसके पैर दिखेंगे। दूसरा खत्म। तीसरा, उसके साथ चल रहे वो तो बढ़ाएगा, वो तो अच्छा बंदा था जिसका साथ पकड़ा था, चला गया, पीछे से जो बंदा आ रहा है उसको पकड़ो, फिर यही चीज़ें फॉलो करनी है। मुट्ठी बंद करो, पेट में पेन होता है, लंबी सांस लो यार, लंबे स्टेप डालो, जो आप छोटे छोटे में पैरों को दर्द दे रहे थे उनको बदलो, तरीका बदलो, लंबा स्टेप डालोगे
ताकत कम लगेगी, एनर्जी कम खर्चा होगी, लंबी सांस लो। और एक चीज, जब ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाएगी तो थकान भी आपकी बॉडी से हट जाएगी। तीसरा चक्कर खत्म, चौथा चक्कर बचता है। चौथा चक्कर किसी के सहारे नहीं करना यार, बॉडी भर चुकी है, आप रुकने वाले हो, लेकिन माइंड में एक चीज को सेट करना है कि रुकना नहीं है। अगर आप रुक गए, रेस वहीं से खत्म हो गई। बस 30% में भगा रहा हूँ, 70% आपने बॉडी भर दिया था, 10% आपकी बॉडी बची हुई है, फिर भी भर गई है। रुकोगे नहीं, मैं गारंटी देता हूँ, जब भी आपकी बॉडी भर जाए आप रुको मत, सिर्फ आपके अंदर जोश। एक चीज बता दूं, कुछ हो ना हो, प्रैक्टिस किया ना किया हो, लेकिन यहाँ पर अगर विल पावर है तो आप कर सकते हो उसको, काम को कर सकते हो। विल पावर को बना के रखना मेरे दोस्त, रनिंग होगी, गारंटी के साथ होगी। और एक चीज, जब आपकी बॉडी भर जाए चलते रहना, आंख बंद हो चलते रहना, गिरना नहीं, गारंटी है थोड़ी देर के बाद बॉडी रिलैक्स होगी, ठीक है। वो गर्माहट आपकी बॉडी से हटेगी, वो सूनपन जो बॉडी में हो रहा है वो हटेगा। और लास्ट चक्कर आप इतना तेज फिनिश करो कि वहां पे गिर जाओ, वहां पे उठाने वाले बहुत सारा स्टाफ लगा हुआ है, कुछ नहीं होता, 10 मिनट के बाद फिर बॉडी वैसे रिलैक्स होगी, लेकिन तब तक आपके सीने पे वो मोहर लग चुकी होगी जो पास की मोहर होती है, फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप फर्स्ट मारोगे कि सेकंड मारोगे, लेकिन रेस जरूर मारोगे अगर मेरी इन बातों को फॉलो करोगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।